यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं मोंगरा बांध का सुंदर नज़ारा जो है। हम लोग आज घूमने आए हैं दोस्तों लोगों के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 9 गेट लगाया गया है और पानी कितना लबालब भरा है। या बारिश का दिन है, हम लोग दोस्तों के लोगों के साथ आए हैं। हमारे साथ है राजेन, फिलहाल अभी अपने बाल को कैप किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग मस्ती कर रहे हैं, बाइक वाइक में घूम काम कर जो है अपने टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो मस्ती और इंजॉय के साथ जो है मोंगरा बांध का नज़ारा का लुत्फ उठा रहे हैं हम लोग। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा गार्डन भी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कपल लोग जो है आए हुए हैं घूमने के लिए, दोस्त लोग आए हैं या फिर फैमिली वाले मेंबर लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। अब आप लोग हम पीछे का जो नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर आप पानी का जो रिलीज़ किया जाता है वो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी को जो रिलीज़ किया जाता है, जिससे चौकी का जो नदी सिनार नदी वहाँ जाकर मिलता हुआ है, यहीं से जो है पूरा मिलते मिलते जो है आगे जाकर बड़ा रूप लेते हैं। वैसे तो यहाँ का नहीं है, उद्गम स्थल कहीं और है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टाफ डैम जो है यहाँ पर बहुत बड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ आप लोग हम लोग दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है बाइक वाइक में जो राइडिंग करते हुए लोग आ रहे हैं, बुलेट में और पल्सर वगैरह बहुत सारे जो बाइक की जो वैरायटी यहाँ पर आप लोग देखने को मिल सकता है। ये जो बांध है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, कितना ज़्यादा जो बड़ा जो है नज़ारा लग रहा है, बहुत दूर है यहाँ से। दोस्तों आप लोग दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अपने दोस्त भाई लोग फ़ोटो खींचने के लिए जो पोज अलग अलग बता रहे हैं। और आप लोग को मैं गार्डन को जो है थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। यहाँ अपना को जो है छोटा सा यहाँ पर गार्डन जो है बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी पीने के लिए सिंटेक्स वगैरह लगाया गया है। और इस टाइप से यहाँ का जो है नज़ारा लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधे छोटे छोटे जो लगाए गए हैं। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नज़ारा नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जो कैमरा पकड़ के जो फ़ोटो खींचने का जो निकाल रहे हैं अपना जो अलग अलग स्टाइल जो भी है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरे लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी तरह की गई है। पहले भी आप लोग नज़ारा देख चुके होंगे, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बहुत अपना जो जानकारी यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एक बार हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं मुकेश बॉस एवं राजेन के साथ, वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको जो है अलग ही थोड़ा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो बारिश का टाइम है, पहले जब आए थे हम लोग शायद उस समय गर्मी का मौसम था। तो आप लोग देख सकते हैं पानी बहुत अच्छा है और हवा भी ठंडी चल रही है, लेकिन गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है मोंगरा बांध का जो नज़ारा कुछ चेंजेस लग रहा होगा आपको यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पटरी घोड़ा के रूप में जो है यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक का जो है फोम रखा गया है, जो पानी में उफलता है उतना नहीं है उसको रखा गया है यहाँ पर मौज मस्ती के लिए। आप लोग देख सकते कितना बड़ा यहाँ पर रखा गया है। आप लोग हम लोग यहाँ पर आपको जाकर भी दिखाएंगे कैसा वहाँ पर जाने के बाद अपने को जो है फील होगा वहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये प्लास्टिक का जो है यहाँ पर डब्बे का जो है रखा गया है, जिससे आप लोग हम लोग पानी में भी चल सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से। और मेरे को भी डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, फिर भी मैं चल कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस टाइप से लगा गया है, जो येलो और ब्लू कलर में जो है डब्बा रखा गया है, जो कि ऐसा डब्बा जो पानी में डूबता नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊंचा हुआ है डब्बा। और यहाँ पर हम लोग मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और आप भी यहाँ पर खड़ा होकर देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको जो आप आगे अब मेरे देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही डब्बों का जो है पूरा सेट लगा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, जो भी करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन वो पूरा वो आगे तरफ जो है रखा गया है उसको, तो उसको तो हम लोग अभी कवर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कितना अच्छा या नज़ारा या आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आप पत्थर जो ऊपर रखा गया है वो मैं नीचे जो डब्बे रूप में है जो आकर यहाँ पर चढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर जो लग रहा है इस टाइप से जो है पूरा लुक को चेंज किया जा रहा है। मतलब मान के चलो कि पूरा जो भी पहले जैसे इतना ज़्यादा नॉर्मल था कुछ यहाँ पर, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, लेकिन आपको धीरे धीरे अब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर करने की कोशिश किया जा रहा है। जो दर्शनीय स्थल के नाम पर यहाँ पर जो बहुत कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ करने की जो है लगे हुए लोग यहाँ पर, जो जिससे कि यहाँ पर आगे आ सके
पर्यटक घूमने टूरिस्ट जो भी हो आसपास के या फिर कहीं दूर दराज से भी आते हैं उनको जो है अच्छी खासी यहाँ पर घूमने लायक सुविधा मिल सके। इनका ऐसा मत हो कि यहाँ पर जो आए कोई और बोरिंग होकर चले जाए, नहीं यार थोड़ा सा बांध ऐसे टाइप का नहीं है। यहाँ पर पूरा जो लुक चेंज किया जा रहा है, आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग मज़ा लेने के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर चढ़ हुए, पहले ही बहुत गया था अभी तो नहीं है। यहाँ पर हमारे दोस्त लोग जो है मस्ती कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जो राम भाई तो यहाँ पर टेस्ट करके देख रहा है कि कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना दिन चलने वाला है। और ये देखिए हमारे बीच आ गए हैं भाई साहब जो कूद कर देख रहे हैं कितना ज़्यादा कैपेबिलिटी है, या हमारे लोड को ले सकता है नहीं ले सकता वो चीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा टाइप का यहाँ पर नज़ारा मिल रहा है आप लोग देखने को। अरे आप यहाँ पर कुछ और बातें जो है थोड़ा बैठ कर बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अपने दोस्तों फोटो शूट जो जारी है, ऊपर लोग भी बहुत सारे जो घूमने वाले दोस्त भाई लोग जो आए हुए हैं। और आगे गार्डन तरफ तो ज़्यादा ही माहौल है, इधर थोड़ा कम है, हम लोग नहीं आते इसलिए अभी आ रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो है पानी के ऊपर में चढ़े बैठे हुए थे। तो ये था दोस्तों यहाँ पर जो है सुंदर नज़ारा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ब्लॉगिंग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक भी कर देना यार, और कुछ कमेंट होगा तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।